सभी भाइयों को नमस्कार, सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। यादव डेयरी फार्म रेगुलर आपको अच्छी क्वालिटी का पशुधन दिखाने के प्रयास में एक ऐसा माध्यम मात्र जिसमें हम आपको रूटीन से अच्छी मुर्रा ब्रीड दिखाने का प्रयास करते हैं, उसी प्रयास को आज आगे बढ़ाते हुए आज मैं बताना चाहूँगा, जो भी भाई पहली बार इस कवरेज को देख पा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही में बेल आइकन प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर हम जो भी न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। रेगुलर वीडियोज के लिए साथ में हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। तो वीडियो को आज आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, आज की वीडियो हम लेके आ रहे हैं आपके अपने फार्म यादव डेयरी फार्म से। हमारा जो एड्रेस है गांव खेड़ा थरू डिस्ट्रिक्ट झज्जर हरियाणा से वीडियो लेके आ रहे हैं, और रूटीन से हमारे यहाँ पे आपको बिक्री के अच्छी अच्छी मुर्रा नस्ल की कटड़ियाँ या अच्छी दूध वाली भैंसें आपको रेगुलर मिल जाएंगी। हमारा जो फार्म है रेवाड़ी नारनौड़ रोहतक और भिवानी से लगभग 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आज आप भाइयों के समक्ष फिर से दो काफ़ी शानदार मुर्रा हीफर लेके हाजिर हैं। सबसे पहले नंबर पे आप देख पा रहे हैं मात्र 19 महीने की एज में ये M29 की कटड़ी, और इसकी मदर मिल्क 20 किलो 800 ग्राम रिकॉर्ड, फुल साइज कटड़ी का हाइट लेंथ, और बात करें इसकी जो शरीर के जो वेट की तो शायद आज बड़ी बड़ी जो दो दो चार चार दांत जोटियां हैं उनमें भी आपको नहीं मिलेगा। काफ़ी भारी भरकम पीठ, लगभग 3 इंच 3.5 इंच टेल वाइट है, बाकी बाल की लंबाई है। और M29 जिसका एक क्रेज़ आज से 2-2.5 साल पहले हर पशुपालक के यहाँ पे M29 के सीमन का एक दौर था, जो हर भाई चाहता था कि अपनी भैंस को अच्छा सीमन लगवाए, एक अच्छे मैं कहूँगा फेमस बुल रहा है। तो इस कटड़ी की टीथ्स की स्पेसिंग हम आपको दिखाना चाहेंगे बिल्कुल अलग अलग। अगर सही मायने में बात करें तो हमारे फार्म पे शायद इतने हैवी वेट की कटड़ी कोई इससे पहले वेट के मामले में नहीं आई होगी। पीठ लगभग आज जो बड़ी भैंसें हैं उनके समान पीठ पुट्ठा, छोटा सींग, गर्दन की लंबाई, आगे से जो हिक है वो शरीर से सटा हुआ, क्योंकि कुछ ऐसी पहचान होती है जो दुधारू पशु को दर्शाती हैं, तो ये अच्छे रिकॉर्ड की कटड़ियाँ लेके आते हैं। आगे दूसरे नंबर पे 18 महीने की एज इसकी और PC 575 की ये बेटी है, और लगभग मान के चलिए दूसरे ब्यात में इसकी जो मदर का मिल्क रहा है वो 19 किलो 500 ग्राम, 19 साढ़े 19 के समथिंग जहाँ से हमने परचेज किए हैं। प्रेजेंट में सरपंच थे गांव के, उन्होंने बताया है कि वहाँ पे इसने इतना दूध निकाल रखा है। बिल्कुल छोटे सींग की PC 575 की, आपको जिस भाई ने कभी काफ या बच्चे देखे हैं तो वो समझ सकता है कि क्या क्वालिटी होगी। कटड़ी इतनी ऊंचाई और लंबाई आज इसमें है कि शायद जो दो दो दांत जोटियां हैं उनमें आपको मिले। इसकी आप जो पैरों की लंबाई है वो आपको देखने को मिले, काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। बिल्कुल छोटे सींग की गर्दन की लंबाई, छोटा हेड, और मैं कहूँगा जो लंबाई ऊंचाई के मामले में ग्रोथ ज़्यादा कर रही है कटड़ी, अभी शरीर का पूरा फैलाव किया नहीं है। आप देख रहे हैं अजीब और गरीब सी थोड़ी लग रही है, क्योंकि इतनी हाइट आपको इस उम्र में शायद देखने को मिले। शांत स्वभाव की है और इसकी टेल लगभग नीचे से 2.5 इंच वाइट है, क्योंकि हम जो चेक पास पशु हैं जो मुर्रा की क्वालिटी को पास कर रहे हैं लगभग वही पशु लेने का प्रयास करते हैं। दोनों कटड़ियाँ बिल्कुल जेड ब्लैक कलर की, 20-800 M29 वाली की मदर का रिकॉर्ड और PC 575 का 19 साढ़े 19 किलो दूसरे ब्यात में रिकॉर्ड बताया है। और ब्यूटी आप देख पा रहे हैं, क्योंकि हम नहीं कहते कि अगर ये कटड़ियाँ इतने दूध की इनकी मदर है तो इतना ही निकालेंगी, क्या पता ये 12-13-15 किलो की ही रहे, लेकिन क्वालिटी काफ़ी ज़रूरी है। क्वालिटी इन दोनों कटड़ियों में है, क्योंकि एक मुर्रा हीफर खरीदते टाइम सबसे मेन चीज़ ब्यूटी पे आप ध्यान रखें। ब्यूटी कितनी है, दोनों कटड़ियाँ हैं बिल्कुल कले कले थन चारों अलग अलग। कोई भी भाई खरीदना चाहता है, संपर्क नंबर मेरा रेगुलर चल रहा है, इंटरेस्टेड बायर्स ही फ़ोन करें, क्योंकि जिस हिसाब से कटड़ियाँ अच्छे सीमन की अच्छी भैंसों की लेते हैं तो अच्छी लागत भी देनी पड़ती है। तो अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें आपको कटड़ी कैसी लगी। ये कटड़ी मैं कहूँगा जब अपने टाइम पे, दोनों अदंत खीरी कटड़ियाँ जब अपने टाइम पे जाएंगी मैच्योर होंगी तो इनका साइज़ काफ़ी बड़ा होगा, शरीर का विकास साइज़ का काफ़ी ज़्यादा करेंगी। तो
कोई भी भाई अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जो भाई देश विदेश में वीडियो देख रहे हैं उनका भी हम दिल से धन्यवाद करते हैं। सभी भाइयों को मंजीत यादव की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम।